हिंदुस्तान के आखिरकार हजारों ट्रकों को क्यों रोक दिया गया है, जानेंगे पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया क्यों है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो शख्स देख रहे हैं, इनका कहना है कि भारत में अभी आने वाला है एक बहुत बड़ा सुनामी और वो होगा खजाने का सुनामी, जानेंगे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस ब्लैकमेल होना शुरू हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो बहुत अच्छे से पता है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और चाइना के लिए जियोपॉलिटिक्स उतना मायने नहीं करती है, चाइना के लिए रिश्ते भी उतना ज्यादा मायने नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस वक्त चाइना और रूस के बीच में। दरअसल स्क्रीन पर जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप है एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोजेक्ट साइबेरिया 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन का। ये प्रोजेक्ट चाइना और रूस के बीच बनने वाला है और इस प्रोजेक्ट को लेकर रूस बहुत ज्यादा उत्साहित था। क्यों उत्साहित था? क्योंकि करीब करीब 98 बिलियन क्यूबिक मीटर हर साल गैस रूस से चाइना पहुंचता। अगर रूस का गैस चाइना तक पहुंचता है तो चाइना का पैसा रूस तक पहुंचेगा। खुशी की बात यही थी और इसी खुशी में चूर होकर रूस लगातार चाइना के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फिर अचानक से रूस ने साइबेरिया 2 के इस प्रोजेक्ट पर काम करने में धीमापन ला दिया है। क्यों धीमापन ला दिया है तो आपको बता दें, इसलिए धीमापन ला दिया है क्योंकि चाइना ने अब शर्तें रखनी शुरू कर दी है रूस के सामने। और इन शर्तों में क्या शामिल है तो आपको बता दें, इन शर्तों में शामिल है कि आप बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ हमें गैस दोगे तभी हम लेने की सोचेंगे। अब यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गया है रूस, क्योंकि अगर ये भारी डिस्काउंट में चाइना तक पहुंचाता है तो इसकी लागत भी वसूल हो पानी बहुत बड़ी मुश्किल है। और चाइना का सोच ये है कि अब तो पाइपलाइन बन चुका है और तुम्हें भेजना है तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, आपको डिस्काउंट में देना होगा और इस वक्त आपके पास कोई उपाय नहीं है हमारी बात मानने। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट में फिलहाल के लिए काफी कुछ खर्च हो चुका है। ये प्रोजेक्ट करीब 55 बिलियन डॉलर के शक्तिशाली देशों के साथ रखा गया प्रोजेक्ट था, पर अब इस प्रोजेक्ट में चाइना का अपना रूप दिखना शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, अब चाइना के नो लिमिट वाले दोस्ती का ये परीक्षण हो रहा है। पुतिन के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि पुतिन ने बहुत कुछ सोचकर इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। करीब 3000 किलोमीटर लंबे तक ये प्रोजेक्ट जाने वाला था और मंगोलिया के रास्ते होते हुए इसे चाइना और मंगोलिया हर जगह सप्लाई करना था। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या चाइना को अब उसी गैस चाहिए? ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और यही चीज क्रिटिकल बन गया है पुतिन के लिए। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को स्लो डाउन पे ले गया है रूस, पर आपको बता दें जैसे हालात हैं वैसे में चाइना की बात मानने के अलावे रूस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। पर भारत के लिए ये बहुत चौंकाने वाली चीज है, भारत को तैयार रहने की जरूरत है। रूस कई जगह पे हो सकता है कि दबाव में ही आ जाए और चाइना के बातों पर ही काम करे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जैसे को तैसा वाला हाल हो रहा है इस वक्त। करीब लाखों रिफ्यूजियों को निकाल चुका है पाकिस्तान अपने देश से और ये अब अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है करीब 4 लाख की संख्या में ये लोग अफगानिस्तान पहुंचे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, पर अभी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही समस्या वाली स्थिति हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान बदला लेने पर उतर गया है। हालात ये हो गए हैं
कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर से आने वाले हजारों ट्रकों को तोरखाम बॉर्डर पर रोक दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ये कड़ा रूप तब अपनाया है जब अफगानियों को निकाला गया है। अफगानिस्तान की ओर से इस तरीके के कड़े रुख पर पाकिस्तान न सिर्फ सकपकाया है पर उसने भी इस प्रक्रिया में अफगानिस्तान ने व्यापार बंद कर दिया है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस खुले बॉर्डर से ट्रेड कर भारत में नशे की एक बड़ी खेप पहुंचाता था। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बंद हुए इस व्यापारिक समझौते से भारत में अब पाकिस्तान की ओर से नशे की तस्करी और अवैध कारोबार पर लगाम लग सकेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बदहाल हो रहे रिश्तों का असर अब दोनों देशों के व्यापार पर पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों पर ज्यादा ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी। हालात ऐसे हो गए कि कानूनी वीजा और पासपोर्ट धारकों की एंट्री ही अफगानिस्तान में प्रतिबंधित की जाने लगी। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की है तो पाकिस्तान ने धौंस दिखाते हुए अफगानिस्तान के व्यापार को बंद करने की धमकी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है मंगलवार शाम से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हजारों ट्रकों को अपने देश के भीतर आने से न सिर्फ रोक दिया है बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद सभी ट्रकों को अगले कुछ दिनों की मोहलत देकर तत्काल वापस जाने का फरमान सुना दिया है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा करके अफगानिस्तान ने एक साथ कई निशाने पाकिस्तान पर साधे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर रह रहे अफगानी शरणार्थियों को जबरदस्ती अपने देश से बाहर निकालना शुरू किया और कहा जा रहा है इसका बदला अब अफगानिस्तान ले रहा है। भारत के लिए ये अच्छी बात है कि ये रास्ता ज्यादातर भारत के अंदर नशे का व्यापार करवाता था और इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी भारत को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इस शख्स के बयान ने एकदम से चौंका दिया है और ये चाइना को बिल्कुल, ये जो शख्स देख रहे हैं इनका नाम है मार्क मोविस और इन्होंने कहा है कि भारत की तरफ खजाने की बारिश होने वाली है, भारत तुम तैयार हो जाओ। आपको बता दें ये हैं कौन, तो ये हैं एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जिनकी चाइना में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और इनका कहना है कि जिस तरीके से निगेटिव में जा रहा है चाइना का, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भारत को मिलेगा और भारत को इसका प्रॉफिट मिलने का एक और बड़ा कारण है और वो कारण है भारत की जनसंख्या का जेड कैटेगरी। अब ये जेड कैटेगरी क्या है तो आपको बता दें, भारत की जनसंख्या में एक बड़ी संख्या है युवाओं की। अभी दुनिया भर की जनसंख्या देखेंगे तो जापान में बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, चाइना में भी बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि भारत में यंग लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का अर्थ है वो इन्वेस्टमेंट पूरा होगा और यही इनका कहना है कि भारत के अंदर जो जेड पॉपुलेशन है इसकी वजह से भारत को जीत मिलेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।